आम आदमी पार्टी बने सिंह पहलवान। जिला अध्यक्ष द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली के नाम जिलाधिकारी आगरा के समक्ष दिया ज्ञापन। बताया गया, उत्तर प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जोर शोर से दे रही है, वही आगरा में कुछ भाजपा नेता व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ के चलते पिछले कई साल से लिंग परीक्षण व कन्या भूषण हत्या का अवैध काला कारोबार जोर शोर से प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है। 2016 में हमारे द्वारा लिंग परीक्षण एवं कन्या भूषण हत्या की शिकायत करने पर तत्कालीन सरकार ने प्रिया अस्पताल को सील कराने का कार्य किया, लेकिन उसके पश्चात सरकार बनते ही कुछ अधिकारियों ने भाजपा नेताओं की मिलीभगत कर लगी गई सील हटवा दी गई, फिर से यह कारोबार दोबारा धड़ल्ले से चल रहा है। इस प्रकरण के संबंध में 5 माह पूर्व भी जिलाधिकारी महोदय जी से शिकायत की गई और हाल ही में भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर एसएसपी आगरा से इस संबंध में शिकायत की गई। तभी से आगरा एसओजी की टीम सक्रिय हुई है और उन्हें जाल बिछाकर यह इस ग्रुप के घिनौने कृत्य करने वालों को और अधिकारियों को पकड़ा, लेकिन है पकड़े जाने के कुछ दिन बाद ही छूट जाते हैं और पुनः इस काम को अंजाम देने लगते हैं। अतः आम आदमी पार्टी महामहिम से अनुरोध करती है, ऐसे कृत करने वालों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे यह दरिंदे सृष्टि द्वारा बनाए गए नियमों के साथ किसी भी प्रकार का दोबारा छेड़छाड़ करने नहीं पाए। आगरा से करण सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, बीपीए न्यूज की रिपोर्ट। हमारे नूर भाई हैं नदीम नूर, इन्होंने बड़ी मशक्कत करके प्रिया हॉस्पिटल के खिलाफ ये सबूत इकट्ठे किए हैं कि यहाँ भ्रूण हत्याएँ होती हैं। इसी उपलक्ष में आज हमने महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है कि आपको इतनी शिकायतें हुई, 16 में वो बंद हुआ हॉस्पिटल, 17 में जैसे ही भाजपा की सरकार बनी उससे किन परिस्थितियों में किस सौदेबाजी से दोबारा से अनुमति दी गई, एक तो ये पता करना चाहिए आप लोगों को। आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि अधिकारी एक तो ये जवाब दें कि हॉस्पिटल दोबारा से चालू कैसे हुए, और जिन लोगों की रासुका में जेल होनी थी, ऐसे लोगों की फांसी होनी थी, उनको दोबारा से अनुमति कैसे दे दी, और अब वहाँ भ्रूण हत्या जैसे अब भी सबूत मिलते हैं। तो हम आम आदमी पार्टी के सारे सदस्य, पूरी टीम, आगरा की टीम ये चाहती है कि इनके ऊपर रासुका की कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए, उन्हें ऐसे सेंटर जहां भ्रूण हत्याएं हो रही हैं जिले में उनको सील किया जाए, यही हमारी मांग है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आम आदमी पार्टी, वैसे भी आपको पता है क्रांतिकारी पार्टी है, अहिंसावादी पार्टी है, अहिंसावादी तरीके से इन सबके भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी, चाहे वो डीएम कार्यालय का घेराव करना पड़े, चाहे मुख्यालयों का जो तहसील मुख्यालय हैं जगह जगह वहाँ घेराव करना पड़े, चाहे रोडों पर उतरना पड़े। होली मनाएंगे, होली के बाद हम पूछेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने लगाया और बेटियों को भ्रूण हत्या के माध्यम से आप लोग क्यों उन चीख पुकारों को आप झेल रहे हो, क्यों इतना पाप कमा रहे हो? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप ये भारतीय जनता पार्टी का ये नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में ऐसा कोई जिला अछूता नहीं रहा जहाँ रेप नहीं हुआ हो बच्चियों का। भाजपा पार्टी से क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी असफल हो गई है प्रदेश चलाने में, देश चलाने में। मोदी की तरफ देखते हैं तो देश गड्ढे में, योगी की तरफ देखते हैं तो माता बहनों की असमता लूटी जा रही है, उनके साथ आए दिन बलात्कार और मर्डर हो रहे हैं, ये गलत है।
होली के पश्चात हम लोग कलेक्टिव मुख्यालय पर अनशन के लिए बाध्य होंगे। इसके इंचार्ज हैं हुकुम सिंह, मैं उनको सम्मानित करना चाहूंगा। और हुए इन लोगों के जो मन एक लगा हुआ है कि आए मतलब दो दिन का कार्रवाई की जाए, तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग गेम में अपना समय व्यतीत करें और अपने अपराध को माने कि उन्होंने घोर अपराध किया है और आने वाले समय में ये अपराध करने से पहले काफी डरें और सोचें। उसकी जानकारी में कुछ लोगों को जेल भेजा गया है? जी हाँ, जानकारी में है। किस जगह से भेजा गया? ये एसटी अपने भेजा, ये नहीं मालूम किस थाने से। ठीक है।